ब्रेकिंग न्यूज अभी अभी की बहुत ही बड़ी खबर आई है श्रावणी मेला 2020 को लेकर। कांवड़ियों के जल अर्पण के बगैर पीते गए भोलेनाथ का सावन, श्रद्धालु और कांवड़ भक्त भी रहेंगे। तो इससे आगे की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें। इस चैनल पर आपको देवघर श्रावणी मेला, कांवड़ यात्रा, हरिद्वार मेला और केदारनाथ से जुड़ी सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा भक्तों को सही जानकारी मिल सके और अपनी आस्था पूर्ण तरीके से कर सके। और साथ ही साथ हमें ये भी बताइए आप कांवड़ यात्रा लेकर कहां से कहां जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं या देवघर जाते हैं, हमारे साथ जरूर शेयर करें ताकि हम आपको इससे जुड़ी ज्यादा से ज्यादा जानकारी दे सके। हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए आपको देते हैं पूर्ण जानकारी। कोरोना का संकट ऐसा है कि भगवान भोलेनाथ भी इससे प्रभावित हैं। सावन भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना है, इसमें जल अर्पण का भी विशेष महत्व है। ऐसे में भोलेनाथ के साथ साथ श्रद्धालुओं का भी सावन सूखा ही बीतेगा। देवघर के प्रसिद्ध सावन मेला और कांवड़ यात्रा की संभावना अब लगभग छीड़ है। कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा की अनुमति को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर रखी है। हाईकोर्ट ने सरकार से इस बारे में पूछा है, लेकिन अगर हाईकोर्ट की अनुमति मिल जाती है तो मेला और कांवड़ यात्रा को शुरू करा पाना आसान नहीं हुआ। अब तक यहाँ इसकी कोई तैयारी नहीं हो सकी है। 200 साल पूर्व सावन माह में कांवड़ यात्रा की हुई थी परंपरा। देवघर के प्रसिद्ध सावन मेला और कांवड़ यात्रा पर कोरोना के कारण ग्रहण लगा हुआ है। वैद्यनाथ मंदिर में पांडा पुरोहितों के बही खातों में दर्ज जानकारियों के मुताबिक देवघर में 200 साल पूर्व सावन माह में कांवड़ यात्रा की परंपरा की शुरुआत हुई थी। इस लंबे कालखंड में अब तक यात्रा पर कोई विराम नहीं लगा था, लेकिन इस बार तैयारियों पर विराम लगा हुआ है। वैद्यनाथ मंदिर के पांडवों के पास उपलब्ध रिकॉर्डों को आधार माना जाता है तो यहां लगभग 200 साल पहले कांवड़ यात्रा शुरू हुई है। हालांकि इस पर और भी दावे हैं। उसी वक्त कुछ लोगों ने कांवड़ यात्रा शुरू की थी। उन्होंने बताया कि सावन और भादो के अलावा कार्तिक व गंगा दशहरा भी कांवड़ यात्रा की परंपरा रही है जो आज तक कायम है। बंगाल और पूरे बिहार से आने वाले शिव भक्त वैद्यनाथ धाम के प्राचीन इतिहास पर लंबे समय से अध्ययन कर रहे दुर्लभ मिश्र ने बताया कि दिल्ली हावड़ा के बीच रेल सेवा शुरू हुई तो यहां पर कोलकाता के व्यापारियों का आगमन शुरू हो गया। इसके बाद अविभाजित बिहार और बंगाल के जमींदारों का आगमन बढ़ा था और उनके साथ साथ शिव भक्त भी आने लगे थे। पहले कम भीड़ होती थी, इस कारण मंदिर परिसर में रुद्राभिषेक, षोडशोपचार, पूजन एवं 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने जैसे धार्मिक कार्य होते थे। इसके बाद की परंपरा थी, लेकिन भीड़ बढ़ने के लिए पूजन पद्धति में भी बदलाव होता चला गया। 1980 में हुआ था बृहत रूप। दुर्लभ मिश्रा के अनुसार पहले यहाँ सिर्फ रविवार और सोमवार को ही श्रावणी मेला लगता था। सोमवार को दोपहर 2 बजे तक श्रद्धालु जल अभिषेक कर लेते थे। 1980 से श्रावणी मेला का रूप स्वरूप बेहतर होता गया। एक माह के श्रावणी मेले में देश विदेश से लोग आ रहे हैं। आज हाईकोर्ट पर सबकी निगाहें श्रावणी मेला महोत्सव के लिए देवघर और बसुकीनाथ मंदिर के पट श्रद्धालु के लिए खोलने के अनुरोध पर सोमवार को झारखंड उच्च न्यायालय में सुनवाई होगी। इस मामले में गोंडा के भाजपा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने जनहित याचिका दायर की है। झारखंड सरकार ने 31 जुलाई तक सभी धार्मिक स्थलों को बंद रखने का आदेश दिया है। 5 जुलाई से श्रावण मेला शुरू हो जाएगा। श्रावणी महोत्सव के मसले पर प्रशासनिक एवं पुलिस हलके में तनिक भी सुखबुगाहट नहीं है। अब इसकी निगाह कोर्ट के पर टिकी हुई है। दोस्तों, हाईकोर्ट ने दोबारा से फैसले की तारीख आगे बढ़ा दी है और नेक्स्ट फैसला कब आता है हम आपको जल्द ही अपडेट कर देंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बस यही जानकारी देनी थी। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही साथ अपने YouTube चैनल ऑनलाइन रोजगार को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर कर दें, जिससे आपको इस सावन माह की पूरी जानकारी मिलती रहेगी। जहाँ भी कांवड़ यात्रा निकलती है या जहाँ नहीं निकलती है, सारी जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं एक और ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सतर्क रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते रहें। टेक केयर एंड गुड बाय।